अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कायनात अब्बासी। आज हम आए रूडन इनक्लेव में। आज हम बात करेंगे रूडन इनक्लेव प्रोजेक्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैं आपको बताऊंगी कि आया रूडन इनक्लेव आने वाले 5 से 6 सालों को प्लान कर रहा है या आने वाले 100 सालों को। और मैं बताऊंगी आपको आज इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। रूडन इनक्लेव में 280 और 250 फीट के मेन बुलेवर्ड्स का काम जारी है, जो कि इंशाल्लाह रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सबसे बड़े बुलेवर्ड्स होंगे। हैवी ट्रैफिक के लिए 2.5 किलोमीटर पर ऑलरेडी डेवलपमेंट रोड्स, साइट ऑफिसेज, खूबसूरत जामिया मस्जिद रूडन इनक्लेव के आला तर्ज तामीर और मैार की जमानत है। बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम जिसकी हाइट है 6 फीट और विथ है 5 फीट, जो कि हर किस्म के हालात, हैवी रेनफॉल वगैरह के आने वाले 100 साल तक आसानी से मुकाबला कर सकता है। एज पर प्लानिंग आने वाले 5 से 6 सालों में इंशाल्लाह 40 से 50 हजार घरों का शहर आबाद होने जा रहा है। मुल्क की एनर्जी क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए रूडन इनक्लेव इंतजामिया ने पहले से ही बेहतरीन प्लान बना के रखा हुआ है और पूरी सोसाइटी को सोलर एनर्जी सिस्टम के तहत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का मंसूबा बना लिया है। सोलर पार्क पर भी काम शुरू हो चुका है और सोलर एनर्जी पैनल्स की वसी तादाद साइट पर मौजूद है। इसके अलावा UPDL और अल हक बिल्डर जैसे बेहतरीन डेवलपर्स जिन्होंने ऑलरेडी गुलबर्ग ग्रीन जैसा हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, अब रूडन इनक्लेव के साथ भी शाना बशाना खड़े हैं। न्यू लीव रूडन इनक्लेव को 4 चांद लगाने के लिए इसमें बना रहा है खूबसूरत पार्क, ग्रीन बेल्ट और पुरफिजा माहौल और बहुत कुछ। तो सोच क्या रहे हैं, अभी फैसला करें, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता कीजिए।